Assalamualaikum class 2, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का सबक नंबर 1, पेज नंबर 1 पे है ये। और उन्वान है आज का हमारा हम्द। क्या उन्वान है? हम्द। अच्छा, आपको मैं आज हम्द किस लिए पढ़ा रही हूँ ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। मैं आपको हम्द इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए हम्द का तारुफ, हम्द होती क्या है, हम कहते किसे हैं। ओके, तो ही का मतलब आपको समझ आ जाए, ठीक है? अल्लाह ताला की अजमत का आपको पता चल जाए, नेमतों की कदर करना आ जाए आपको, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी है ना, उनकी कदर करने का आपको पता चल जाए। ओके, हैव यू पेंसिल इन योर हैंड? नो, देन प्लीज गो एंड गेट योर पेंसिल, क्योंकि मैं आपको शेड करवाऊंगी, अंडरलाइन करवाऊंगी, एमसीक्यूज, फिलिंग ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो जल्दी जल्दी मेरे साथ करेंगे आप, ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जल्दी से अपनी पेंसिल रखें पहले बोर्ड पे, ठीक है? ऐ जमीन आसमान के मालिक, ऐ जमीन आसमान के मालिक। जमीन और आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला ना, तो फिर ऐ हम किसे कह रहे हैं? अल्लाह ताला को। ओके, ऐ जमीन आसमान के मालिक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जमीन और आसमान का मालिक कौन है, तो जल्दी से बता दें कि जमीन और आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला ना, तो अल्लाह ताला कैसे लिखेंगे? देखें, अलिफ लाम लाम हे, ठीक है? ऊपर बनाएंगे तशदीद और ऊपर खड़ी जबर, ये बन गया अल्लाह। और तआला कैसे लिखेंगे? ते बनाएंगे, इनकी आदि शक्ल बनाएंगे, अलिफ बनाएंगे, लाम और साथ छोटी या बनाएंगे, और ऊपर हम इसके खड़ी जबर डाल देंगे, ये बन गया तआला, अल्लाह तआला। आसमान को आप शेड कर दें जल्दी से पेंसिल से, क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक में आएगा अलिफ मत आ सीन आस मीम अलिफ मान नून आसमान, इसको जल्दी से शेड कर दें। ओके, आगे देखें, सारी दुनिया जहान के मालिक, और ये दुनिया और जहान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला ना। ओके, तू ही सबको पालने वाला, हम सबको कौन पालता है, कौन पाल रहा है? अल्लाह ताला ना। ओके, काम सबके निकालने वाला, निकालने लिखा हुआ है नून काफरिका लाम बड़िए ने निकालने, इसको जल्दी से शेड कर ले। ओके, आगे देखें, भूख में तू हमें खिलाता है, भूख में तू हमें खिलाता है, कौन खिलाता है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया है ना, अल्लाह ताला अलिफ लाम लाम हे ऊपर तशदीद और खड़ी जबर की ते ऐन अलिफ आ ता आ लाम छोटी है और ऊपर खड़ी है अल्लाह ताला, तो कौन खिलाता है हमें भूख में? अल्लाह ताला। प्यास में तू हमें पिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है, कौन पिलाता है प्यास में हमें? अल्लाह ताला। ओके, अल्लाह ताला लिखना आ गया ना आपको, मैं आपके क्वेश्चन आंसर में आपको जो रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है? आंख दी तूने देखने के लिए, आंख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पांव दिए, क्या दिए काम करने को? हाथ पांव। अब देखिए लिखा कहाँ लिखा है हाथ पांव, हे अलिफ हा थे ते और साथ दो अंकों वाली हे थे हाथ पे अलिफ पा हमजा वाओ नून गुना पांव, इसको जल्दी से अंडरलाइन कर दें, आपके एमसीक्यू में आएगा। ओके, ठीक है, आगे देखें, बात सुनने, बात के सुनने को दिए दो कान, बात के सुनने को दिए दो कान, सुनने के लिए क्या दिया अल्लाह ताला ने? कान, ठीक है? बात कहने को तूने बख्शी जुबान, बख्शी, बख्शी का क्या मतलब है? बख्शी का मतलब है मुफ्त दी, फ्री में दे दी अल्लाह ताला ने हमें जुबान। ओके, अल्लाह ताला ने हमें बख्शी क्या? जुबान, क्या करने के लिए? बात करने के लिए। अगर जुबान ना होती तो हम बोल सकते नहीं ना, फिर हम किसी को कैसे बताते अपनी सारी बातें, नहीं बता सकते थे ना। देखिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि हम बोल के बता सकते हैं कि मम्मा हमें भूख लगी है, मम्मा हमें प्यास लगी है, ठीक है, या मेरा सर दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे ये परेशानी है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये चाहिए। अगर आपकी जुबान नहीं होती तो आप मम्मा को कैसे बताते? पता चल गया ना आपको कि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की जुबान, ठीक है? दिन बनाया कमाई करने को, अच्छा क्या करने को दिन बनाया अल्लाह ताला ने?
काम काज करने के लिए कि सारा दिन हम काम काज करें, कि जो भी काम हमने करने हैं ना सारे दिन में करें, ठीक है। आप इसको कमाई करने को जल्दी से अंडरलाइन करें या आपके एमसीक्यू में आएगा, जल्दी से कर लें, ठीक है। काफ नीम अलिफ मा हमने छोटी आई कमाई, काफ लेकर नून बड़ी ने करने, काफवा को कमाई करने को उसको जल्दी से अंडरलाइन करने। रात दी तूने नींद भरने को, रात क्या करने के लिए दिया था मैंने, क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसको अंडरलाइन भी कर ले। रात क्या करने के लिए दिया था मैंने, नींद भरने। अच्छा जी, दिन क्या करने के लिए बनाया था मैंने, कमाई करने को, दिन कमाई करने को, और रात नींद भरने को। रात क्या करने के लिए दी, सोने के लिए, आराम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ नींद भरने को जल्दी से जो है ना शेड करें, यहाँ पे फिलिंदी ब्लैंक में आएगा, जल्दी करें। तेरे कब्जे में सब खुदाई है, कब्जे का क्या मतलब है, काबू, कब्जे का मतलब है काबू, कब्जे काबू, कब्जे काबू, किसके कब्जे में है सारी खुदाई, अल्लाह ताला के, ठीक है। तेरे ही वास्ते बड़ाई है, बड़ाई का मतलब पता है आपको क्या है, बड़ाई का मतलब है अजमत, क्या मतलब है अजमत, बड़ाई का क्या मतलब है अजमत, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। अच्छा, आपको समझ आ गई कि हम का क्या मतलब होता है। हम इस पूरे चैप्टर में जो रीडिंग हम इस नज़म में कर रहे थे, तो हमने किसके बारे में पढ़ा है सारी बातें, कि कौन हमें खिलाता है पिलाता है, किसने हमें कान दिए, हमें जुबान दी, हमें आंखें दी, रात बनाया, दिन बनाया, ये सारी बातें समझ आई ना आपको, किसने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने बनाया है ना। तो इसमें हम सारी पूरी नज़म में हम अल्लाह ताला की तारीफें पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, तारीफें, किसकी, अल्लाह ताला की। तो आपको समझ आ गई ना, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं, आगे समझ, ओके। दूसरी बात आपने क्या सीखी, कि अल्लाह ताला एक है, वही सबका मालिक, कैसे समझ आई, हर चीज का तो वही मालिक है ना, हर चीज का, दुनिया जहान का, आसमान का, जमीन का, हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है, ठीक है, समझ आ गई ना। तो अल्लाह एक है, हर पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का निजाम ना अल्लाह ही चला रहा है, ठीक है, इसकी भी समझ आ गई ना आपको। अच्छा, अल्लाह ताला की अजमत, अब देखिए अल्लाह ताला की अजमत, अजमत का मतलब हमने पढ़ा है ना, बड़ाई पढ़ा था ना, तो आपको पता चल गया इस पूरी नज़्म में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है, कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है, क्या कुछ अता किया हमें, ठीक है। और सबके बाद नियमतों की कदर, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, हमें जुबान दी, हमें आंखें दी, कान दिए, और हमारे लिए रात और दिन बनाए, ठीक है, दिन में हम काम करते हैं और रात को आराम से सुकून से सो जाते हैं। बाकी डिटेल आपको पीडीएफ की फाइल में सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रिमेम्बर योर स्कूल एंड योर टीचर इन योर प्रेयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।